हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश वेलनेस पे। नो डाउट हनी प्रोसेस्ड वाइट शुगर के कंपैरिजन में काफ़ी हेल्दी है, लेकिन इसका फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप वाइट शुगर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। आज इंडिया में हर एक के घर में वाइट शुगर है। टेक्निकली हनी शुगर नहीं है, लेकिन 75% शुगर है, क्योंकि इसके 75% में पाया जाता है फ्रक्टोज ग्लूकोज। आप इसको नेचुरल शुगर भी कह सकते हो। हनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स रिफाइंड शुगर के कंपैरिजन में कम है। जिन भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, उससे मिलने वाला एनर्जी आपके ब्लड तक उतनी ही जल्दी पहुंचता है। ये सही नहीं है, ऐसा होने से आपका इंसुलिन स्पाइक कर सकता है। हनी के हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी कुछ है, लेकिन आपको ये तभी फ़ायदा करेगा जब आप रिफाइंड शुगर नहीं ले रहे हैं, उसको रिप्लेस करें हनी से। हनी में पाया जाता है ऑर्गेनिक एसिड और फेनोलिक कंपाउंड जैसे कि फ्लेवोनॉइड, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से बनता है हनी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कुछ एक तरह के कैंसर होने के चांसेस घट जाते हैं। साथ ही साथ हनी है एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, जिसकी वजह से ये आपके ब्लड प्रेशर को लो करता है। इस बारे में एक रिसर्च हुआ था चूहों पे और ह्यूमन बॉडी पे, जिसमें पाया गया कि जब उनको हनी दिया गया तो उनका जो ब्लड प्रेशर था वो लो हुआ, लेकिन बहुत ही कम, उनके ब्लड प्रेशर में थोड़ा ही गिरावट आया। हनी को लेकर कंफ्यूजन रहता है डायबिटिक पेशेंट के अंदर। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और हनी कंज्यूम कर रहा है तो उसके हार्ट डिजीज होने के चांसेस तो घट जाएंगे, लेकिन उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो हाई हो जाएगा। ओवरऑल हनी सही नहीं है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। लेकिन अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हो और आपके पैरों में अल्सर है और आप उस पर हनी लगाते हो, तो ये उसमें फ़ायदा करेगा। इंडिया और इजिप्ट में काफ़ी समय पहले से, इवन आज भी, हनी का इस्तेमाल करते हैं तब जब स्किन कट गया हो या फिर आपको घाव है, जख्म है, तब लोग हनी उस पर अप्लाई करते थे और उसका फ़ायदा रहा है। ऐसा इसलिए भी हो पाता है क्योंकि हनी है एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल। अगर आपको है कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम तो हनी है उसमें फ़ायदेमंद, लेकिन आप हनी पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि रिसर्चेज में ऐसा पाया गया है कि थोड़ा ही कोलेस्ट्रॉल में फ़ायदेमंद है ये हनी। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक अगर है आपको इंसोमनिया, रात को नींद नहीं आती, ऐसे में हनी का एक टेबल स्पून सोने से पहले बहुत ही फायदेमंद है। एक साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को अगर कफ की प्रॉब्लम है तो हनी इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। कुछ स्टडीज़ तो यहाँ तक कहती हैं कि ये हनी कफ मेडिसिन से भी ज़्यादा फायदेमंद। अगर मैं इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करूँ तो बस ये है कि हनी का फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप इसको रिफाइंड शुगर से रिप्लेस करोगे, पहला तो ये। साथ ही साथ आपको मॉडरेशन में कंज्यूम करना है, एक से दो टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप दो टेबल स्पून से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, ऐसी स्थिति में हनी कम अनहेल्दी है एज कम्पेयर टू शुगर। तो ये था शॉर्ट और सिंपल वीडियो हनी के बारे में। लाइक करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो, मुझे कमेंट करके बताएं आपको और भी किस तरह की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखनी है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाएं, और मैं आकाश कुमार मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। गुड बाय।